नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज पर। मैं कुमार सिंह हाजिर आज की फिल्मी जगत की 20 बड़ी खबरों के साथ। शाहरुख खान सलमान रिमेक को लेकर हो सकती है धूम 4 की घोषणा। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्री में दर्ज हुआ प्रियंका चोपड़ा का नाम। सनी लियोनी को लगा झटका। 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक के लिए पागलपंती, कहा जॉन अब्राहम ने। मैं कलाकार हूं और आने वाले कल को आकार देने के लिए निकला हूं, कहा कैलाश खेर ने। सलमान खान की फिल्म राधे में हुई बिग बॉस 8 विनर गौतम गुलाटी की एंट्री। राखी सावंत की जिंदगी में आया नया लवर, बोली पति रितेश नहीं अब किसी और के साथ गुजारती हूँ वक्त। तानाजी पर एनसीपी नेता का विवादित ट्वीट, धमकी समझोगे तो भी चलेगा। मधुर भंडारकर ने की लता मंगेशकर से मुलाकात, बोले उनकी हालत स्थिर है। जिंदगी को लेकर अमिताभ बच्चन ने लिखा ये पोस्ट, कहा हर रोज संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा ए लव लेटर फ्रॉम कश्मीर अब 7 फरवरी 2020 में होगी रिलीज। प्रेगनेंसी डिले करने के कारण सोसाइटी ने मुझे गलत नजरिए से देखा, कहा मंदिरा बेदी ने। कैंसर को मात दे चुके ऋषि कपूर को लेकर बोले इमरान हाशमी, हम जानते थे वो ठीक होकर ही लौटेंगे। सलमान खान ने अनोखे तरीके से अजय देवगन को दी शुभकामनाएं। तानाजी ट्रेलर देखने के बाद लिखा विजय भव, चेहरे से कृति खरबंदा को अंकिता लोखंडे ने किया रिप्लेस, जल्द शुरू होगी इसकी शूटिंग। काम्या पंजाबी पर यूजर ने किया निजी और भद्दा कमेंट, दिल्ली के बॉयफ्रेंड ने लगाई फटकार। कंगना रंगोली पर तापसी पन्नू का तंज, दोनों मुझसे प्यार करती हैं लेकिन मैं नहीं। शक्ति मिल्स रेप केस से प्रेरित है रानी मुखर्जी की मर्दानी 2, देश में घटी और घटनाओं से भी होगी समानता। रानू मंडल के बचाव में उतरे फैंस, बोले माना मेकअप ठीक नहीं था पर मजाक उड़ाना सही नहीं। फोटोग्राफर्स पर फिर भड़क गई जया बच्चन, कहा तुम लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है। तो ये थी आज की फिल्म जगत की 20 बड़ी खबरें। हम फिर से हाजिर होंगे और भी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे आप हमारे चैनल टुडेज न्यूज। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।